दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सेमीफाइनल में एंट्री के बावजूद एक बार फिर भारत के सामने विरोधियों ने टेके घुटने। जी हां दोस्तों, ग्रुप स्टेज के अपने अंतिम या फिर बोले सेमीफाइनल के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ अभ्यास मुकाबले में केएल राहुल के बाद सूर्या की आंधी में उड़ा पूरा जिम्बाब्वे का खेमा। तो वहीं दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी से मचाया ऐसा कोहराम जिसके सामने जिम्बाब्वे का हर कोई गेंदबाज हुआ नाकाम। आखिरकार कैसे इस मुकाबले में भारतीय टीम ने दर्ज की ये जीत, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट की वीडियो भी दिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव में से खतरनाक खिलाड़ी कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जिम्बाब्वे और भारत का सामना मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर आज रोमांचक तरीके से देखने को मिला, जहां पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां भारतीय टीम ने मात्र एक बदलाव दिनेश कार्तिक की जगह ऋषभ पंत को खिलाकर किया गया। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा और केएल राहुल मैदान पर आते हैं। हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत काफी ज्यादा खराब थी, जहां पहले ही ओवर में एक भी रन नहीं बना, लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ी देर तक साझेदारी की। लेकिन इसी बीच 27 के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला झटका लगता है, जहां भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा पवेलियन चले गए। दरअसल गेंदबाज मुजरबानी ने रोहित शर्मा को 13 गेंदों पर दो चौके की मदद से 15 रन बनाने के बाद कैच आउट करा दिया, और इस बीच उनका स्ट्राइक रेट मात्र 116 का रहा, और ये इस वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी रही थी। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आते हैं, जहां विराट कोहली ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को आगे ले जाने का काम किया। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी कर डाली, लेकिन इसी बीच 12वें ओवर में भारतीय टीम को दूसरा झटका लगता है, जहां इस बार गेंदबाज विलियम्स ने 25 गेंदों पर दो चौके की मदद से 26 रन बनाने के बाद विराट कोहली को रियान के हाथों कैच आउट करा दिया, और इसी बीच विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 104 का रहा, और अब बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। तो वहीं दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल ने अगले ओवर में 34 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और अगली गेंद पर अपना विकेट पिछले मुकाबले की तरह दे दिया, जहां गेंदबाज सिकंदर राजा ने केएल राहुल को 35 गेंदों पर 51 रन, 3 चौके और 3 छक्के की मदद से बनाने के बाद कैच आउट करा दिया, और इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 146 का रहा। लेकिन अब पारी को संभालने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर आए थे, जिनको दिनेश कार्तिक की जगह खेलने का मौका मिला था। हालांकि ऋषभ पंत एक बार फिर से नाकामयाब रहे, और इस बार ऋषभ पंत 14वें ओवर में विलियम्स की गेंद पर रियान के हाथों 5 गेंदों पर 3 रन बनाने के बाद कैच आउट हो गए, और अब बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या आए। तो वहीं पारी को संभालने का पूरा जिम्मा हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने अपने कंधे पर ले लिया, और दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी पारी खेली जिसको शायद कोई भी समर्थक नहीं भूल पाएगा। इन दोनों ने मिलकर अंत तक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी कर डाली। तो वहीं पारी के अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या नगरवा की गेंद पर मुजरबानी के हाथों 18 गेंदों पर दो चौके की मदद से 18 रन 100 के स्ट्राइक रेट से बनाने के बाद कैच आउट हो गए। तो वहीं सूर्या ने 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, और इसी के साथ भारतीय टीम ने 20 ओवर में 184 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने 6 चौके और 4 छक्के की मदद से 25 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली, और इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 244 का रहा। लेकिन 185 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही जिम्बाब्वे की टीम मैदान पर आई, तो जिम्बाब्वे की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए एर्मिन और माधवीरे आते हैं। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत भुवनेश्वर कुमार ने करी, और जिस तरीके की शुरुआत भारतीय टीम की हुई थी, उसी तरीके से यहां पर जिम्बाब्वे की शुरुआत हुई। हालांकि जिम्बाब्वे पहली ही गेंद पर अपना विकेट खो चुका था। पहली ही गेंद पर जिम्बाब्वे के बल्लेबाज माधवीरे भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट बिना खाता खोले हो गए थे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जगबाबा आते हैं। तो वहीं पहले ओवर में एक भी रन नहीं आया, तो वहीं दूसरे ओवर में दूसरा बल्लेबाज भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गया। दरअसल अर्शदीप सिंह ने बल्ले से एक भी रन नहीं बनने दिया, जहां ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने जगबाबा को क्लीन बोल्ड कर दिया, और अब बल्लेबाजी करने के लिए विलियम्स आए। तो वहीं अब इन्हें थोड़ी देर तक पारी को संभाल कर रखा, जहां पर चौथे ओवर में जिम्बाब्वे की तरफ से पहला चौका देखने को मिला, और इन दोनों ने मिलकर पारी को संभाल कर आगे ले जाने का काम किया, और इसी के साथ 5 ओवर में 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार का वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीत सकती है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।